अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे बिना सीख के सीख कबाब। सभी सीख कबाब बनाना चाहते हैं पर सभी के पास तो सीख होती नहीं है, तो चलें देखते हैं आज के बिना सीख के कैसे बनाएंगे सीख कबाब, वो भी अंदर से जूसी और सॉफ्ट। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो मटन कीमा, 80% कीमा और 20% इसमें फैट होनी चाहिए, तभी कबाब परफेक्ट बनेंगे, इनकी अच्छी सी बाइंडिंग आएगी और ये परफेक्ट सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। एक कीमा मैंने घर पे बनाया है। पहले मैंने मटन को लिया, उसे अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद उसे अच्छे से सुखाया, उसके बाद मैंने इसका कीमा बना लिया। कीमे को डायरेक्ट धोना नहीं है क्योंकि उसमें फिर मॉइस्चर रह जाएगा और कबाब हमारे परफेक्ट नहीं बनेंगे, टूटने लगेंगे। कीमे को अच्छे से सॉफ्ट पीस लेना है, दरदरा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, इससे भी कबाब परफेक्ट नहीं बनेंगे, टूटने लगेंगे। दो मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक इस तरह चॉप कर लिया है। प्याज को हम डायरेक्ट कीमे में नहीं डालेंगे क्योंकि प्याज में भी बहुत सारा पानी होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक बॉल ले लेंगे और उस पर एक कॉटन का या मलमल का कपड़ा डाल देंगे और जो हमने प्याज को बारीक चॉप करके रखा है उसमें डाल देंगे। आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके अदरक लहसुन के पेस्ट में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो। देखिए इसे इस तरह निचोड़ने से कितना सारा पानी इसमें से निकल गया है। अगर आप प्याज को ऐसे ही डाल देते तो कबाब टूटने का ये भी एक रीज़न होता है। आप देख सकते हैं प्याज कितनी ड्राई हो चुकी है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। आप इस तरह बनाएं, कबाब परफेक्ट बनेंगे। अभी इसमें कुछ मसालों को ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून भर के लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चाट मसाला, इसमें 2 नींबू का जूस डालेंगे, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 5 से 6 पुदीने के पत्तों को भी इस तरह चॉप करके इसमें डाल देंगे, 1/2 टीस्पून मीठा सोडा डालेंगे। अभी हाथ की मदद से सारे मसालों को कीमे में अच्छे से मिला लेंगे। जिस तरह हम आटा लगाते हैं उसी तरह हम कीमे को अच्छे से गूंध लेंगे। 5 से 6 मिनट के लिए कीमे को सारे मसालों के साथ अच्छे से हम इस तरह गूंध लेंगे। आप देख सकते हैं कीमे को हमने अच्छे से गूंध लिया है, इसमें परफेक्ट एक चिपचिपाहट आ चुकी है और यह अच्छे से बाइंड भी होने लगा है। तो जो मैंने मटन लिया था उसमें फैट नहीं थी, तो इसके लिए मैं इसमें अभी 20% फैट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास फैट नहीं है तो आप 20% घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमे में फैट होने से इसकी बाइंडिंग अच्छी होती है, कबाब परफेक्ट सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। कीमे में फैट को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी इसे आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और जो हमने इसमें मीठा सोडा डाला था वो भी एक्टिवेट हो जाए। तो बिना सीख के सीख कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पेंसिल का इस्तेमाल किया है, लगभग ये सभी के घर में होती है। पेंसिल पे हम घी से अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि जब हम इस पे कबाब बनाएं तो आसानी से उतर जाएं। जिनके पास सीख नहीं है वो सीख कबाब कैसे बनाएं, उनके लिए ये एक ट्रिक है, वो इस तरह से बिना सीख के पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए सीख कबाब बना के इंजॉय कर सकते हैं। कीमा अच्छे से सेट हो चुका है और ये अच्छे से चिपचिपा भी हो चुका है। जब कीमा हाथों को इस तरह चिपकने लगे तो हाथ को पानी में इस तरह डिप करें। हमने पानी बिल्कुल नॉर्मल लिया है, न ठंडा है न गर्म है। फिर उसके बाद कीमे के थोड़े से मिक्सचर को हाथ में इस तरह लेकर मुट्ठी में दबाते रहें जब तक कि ये पूरी तरह क्रैक फ्री न हो जाए। इस तरह इसे मुट्ठी में दबाते हुए इसके सारे दरारों को ख़त्म कर देंगे। इस तरह करने से कबाब जो है वो टूटेंगे नहीं, परफेक्ट बनेंगे। और फिर जो हमने ग्रीस की हुई पेंसिल है उसे लेंगे और इसे बीच में से इस तरह इंसर्ट करेंगे। उसके बाद इसे मुट्ठी से दबाते हुए इसे सेट करेंगे। उसके बाद अंगूठी की मदद से कीमे को पेंसिल पे अच्छे से फैलाते जाएंगे। आप देख सकते हैं कबाब का कितना अच्छा सा पेंसिल पे शेप आ चुका है। आप यकीन मानिए जितने सीख पे सीख कबाब बनते हैं उतने ही परफेक्ट पेंसिल पे भी बन जाते हैं। बस साइज़ में थोड़ा सा छोटे होते हैं पर टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं होता।
आप देख सकते हैं कबाब का परफेक्ट शेप बन चुका है। अभी इसे धीरे से पुश करते हुए पेंसिल पे से उतार लेंगे। देखें ये कितनी आसानी से पेंसिल पे से उतर गया। इसी तरह हम सारे बाकी के कबाब भी बना लेंगे। रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आधा किलो कीमे के मिक्सचर से 14 कबाब बने हैं। कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन लिया है और इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसे गर्म कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे कबाब को शालो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं। पैन में जितने कबाब आसानी से आ सकते हैं उतने ही डालेंगे और इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे इन्हें बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, वरना ये ऊपर से तो पक जाएंगे पर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे 1.5 से 2 मिनट इन्हें फ्राई करने के बाद इन्हें मैं दूसरी साइड टर्न करूँगी। इसी तरह उलट पलट करते हुए कबाब की सभी साइड को अच्छे से पक जाने तक फ्राई कर लेंगे। कबाब को टर्न करने के बाद ऊपर से मैं इस पे थोड़ा सा घी अप्लाई कर रही हूँ। इससे कबाब पे अच्छी सी शाइन आएगी और टेस्ट भी आएगा। आप देख सकते हैं कबाब का कितना अच्छा सा कलर आ गया है और ये कितने जूसी नज़र आ रहे हैं। इन्हें मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई किया है। इससे ज़्यादा इन्हें फ्राई नहीं करेंगे, वरना ये हार्ड हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे। तो लीजिए, बिना सीक के सीक कबाब रेडी हैं। आप इन्हें हरी चटनी, सैलेड, नींबू और प्याज के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास सीख नहीं है और आप सीख कबाब बनाना चाहते हैं तो मेरे इस बताए हुए तरीके को फॉलो करें, खुद खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। जो भी खाएगा आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं ऐसी किसी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।